हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक जहां पर चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन कि अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी है अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर है उनकी क्या गलती थी। और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूं कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।